वेलकम दोस्तों, वेलकम टू तोकीर हैक्स एंड बिलोड। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे जोल्टा इलेक्ट्रिक बाइक के कंट्रोलर और कन्वर्टर की तारों के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, तो देखें इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखें जी, बैटरी से शुरू करते हैं। इसमें 60 वोल्ट करंट होता है, ठीक है। ये मेन तारें आ गए बैटरी से कंट्रोलर में, ठीक है। और ये थ्री फेज जो तारें हैं ये हैं हब मोटर की, येलो, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। और ये हॉल सेंसर, हब मोटर वाली हॉल सेंसर वाली तारें, ये उसकी ग्रिप है, ठीक है दोस्तों। ये देख रहे हैं ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड एंड ब्लैक। अच्छा जी, ये है थ्रॉटल वाली, रेड, ब्लू और ब्लैक, ये थ्रॉटल एक्सीलेटर वाली ग्रिप, ठीक है। अच्छा, इसमें आता है 60 वोल्ट की स्विच वाली वायर, ये है 60 वोल्ट, इसमें करंट आता है, 60 वोल्ट ही रिटर्न वापस आता है। अच्छा, और दोस्तों ये हैं गियर वाली, हाई लो, स्पीड स्लो या ज़्यादा करने वाली, ठीक है, ये तारे। और दोस्तों ये वाली जो वायर है, ये वाली ग्रिप, ये हब मोटर को कट करने के, इसमें 12 वोल्ट करंट होता है, ठीक है। और ये जो है ये मीटर वाली होती है, स्पीडोमीटर के लिए, और ये रिमोट किट के लिए ये वायर, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया कंट्रोलर, और ये कन्वर्टर हो गया। इसमें 60 वोल्ट करंट आता है की स्विच से, और इससे रिटर्न वापस जो निकलता है 12 वोल्ट, ये येलो कलर की तार है, इसमें से 12 वोल्ट करंट आता है इसके लिए, इंडिकेटर के लिए, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।